आम जनता पर महंगाई की एक और मार। रसोई गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी। 25 रुपए महंगा हुआ घरेलू एलपीजी सिलेंडर। देश की आम जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। अब बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसी तरह 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर का दाम 68 रुपए बढ़ा है। इस बढ़त के बाद दिल्ली में अब एलपीजी सिलेंडर का दाम 859.5 रुपए हो गया है, तो वहीं कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में अब 1,618 रुपए में मिलेगा। कोलकाता में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर 886 रुपए में मिलेगा, तो मुंबई में 859.5 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। लखनऊ में 897.5 रुपए आपको गैस सिलेंडर के लिए चुकाने होंगे। आपको बता दें कि तेल कंपनियां हर महीने की 1 और 15 तारीख को रसोई गैस के दाम की समीक्षा करती हैं। इसके पहले 1 जुलाई को तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी की थी। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से केंद्र सरकार को काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को लगातार घेर रहा है और जनता भी महंगाई को कम करने के लिए सरकार से गुहार लगा रही है। यही वजह है कि सरकार पर दामों को कम करने का काफी दबाव भी है। बावजूद इसके पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।